गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज एक न्यू व्लॉग के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:20। मैं काफ़ी टाइमली उठ गई थी और फ्रेश वगैरह होके ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह गर्म सब पी लिया है। और आज मुझे लंच में बना के ले जानी है इडली। और आज जो मैं ये इडली बना रही हूँ वो मैं अपनी मैम की रिक्वेस्ट पर, मतलब मैम ने मुझे बहुत ही, उनको मेरे हाथ की इडली बहुत पसंद आई थी और सबको ही ऐसे पसंद आती है, तो उनको बहुत टेस्टी लगी। तो उन्होंने बोला था कि दोबारा बनाकर ज़रूर लेकर आना। तो मैंने कहा कल फास्ट है तो उसके अगले दिन मैं ज़रूर बनाकर लेकर आऊँगी। तो मैम रितिका मैम, ये स्पेशली आपके लिए है। अगर आप ये देख रहे होगे तो मुझे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मैं स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। अपने लिए भी मैं भी खाऊँगी, मुझे भी इडली बहुत पसंद है। वैसे साउथ इंडियन फूड मुझे पसंद है, वड़ा उतना नहीं पसंद है, बट हाँ मसाला डोसा, उत्तपम और इडली मोस्टली घर की बनी हुई। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने बैटर इडली का रेडी कर दिया है, इसलिए मैं आज टाइम से उठ गई थी। मैंने मोस्टली चीज़ें रेडी करके रख दी हैं, उसको स्टार्ट करना है फटाफट। हाँ, ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। सब कुछ मिक्स वेज जो मेरे पास पड़ा था वो मैंने इसमें डाल दिया। और अरे भूल गई, प्याज, हाँ प्याज भी डाला। सूजी है, दही है, छाछ, इसको मैंने काफ़ी देर रख दिया था। अब इसको मैं पहले साइड कर दूंगी, थोड़ी देर और रखूंगी, पहले चटनी का काम करूंगी और उसके बाद फिर इसको बनाने का काम। तो यहाँ मेरी मूंगफली जब तक भून रही है तब तक मैं यहाँ पे मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया है, अभी स्प्रेड करूंगी इसको। और इनो मिलाना है, इनो फ्रूट सॉल्ट, ये दो पैकेट प्रॉपर मिलाऊँगी मैं और इस पर लगा के फिर इसको रखती हूँ। मैंने इसमें इनो डाल दिया और इसमें से बबल्स बन गए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दी मैंने अपनी इडली स्टीम होने के लिए, तब तक मैं चटनी का काम करूँगी। तो यहाँ चटनी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और सब कुछ इसमें डाल दिया, मूंगफली वगैरह, थोड़ी धनिया भी डाली। उसमें मैं डालूँगी छाछ, दही, छाछ, कुछ भी डालो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक लहसुन की कली भी डाली और एक छोटा सा अदरक भी। यहाँ इडली हो गई, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हो चुकी है। तो यहाँ पे सारी इडली निकल चुके हैं और मुझे बस अब लंच बॉक्स में पैक करना है। तो मैं दो लंच बॉक्स में पैक करूँगी। तो मुझे लगता नहीं आ पाएंगी, ट्राई करते हैं। तो यहाँ इसमें पैक हो चुकी हैं और यहाँ पैक हो गई है चटनी। चटनी मैंने दोनों बॉक्सेस में रखी है क्योंकि कम पड़ जाती है। मैं इसे अच्छे से बंद कर लूँगी। बंद हो जा भाई। डन। यहाँ मेरा लंच पैक हो गया और यहाँ बहन का लंच भी पैक कर दिया। फटाफट मैं रेडी होने, क्योंकि बहन रेडी हो चुकी है और फिर मंदिर भी जाना है जल चढ़ाने। तो लंच मेरा पैक हो चुका है, बस बॉटल भरनी है, अब जाती हूँ तैयार होने। पूजा हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूल, वहाँ से वापस आके आपसे मिलूँगी। तो जी, हम लोग आ चुके हैं स्कूल से और रातें हवा ले रहे हैं, ठंडी ठंडी, बाहर बहुत गर्मी है जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ। अरे देखो सिम्बा मैडक के पोज में बैठा हुआ है, बस काटने के लिए, इसे खेलना है हमारे साथ, हम थोड़ी देर बाद खेलेंगे। तो मैं अभी थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर वैसे ही एज यूजुअल अपनी क्लास के लिए निकलना है। सिम्बा, सिम्बा, ये लो, पता है इसको बेवकूफ बना रहे। मैं आ चुकी हूँ अपनी क्लास लेके घर में और अभी अपने लिए बनाने जा रही हूँ अदरक वाली चाय, और मतलब अदरक और काली मिर्च वाली। इसको अच्छे से कूटूँगी, अच्छे से अदरक को बॉईल करके, अच्छी खुशबू वाली अदरक वाली, फील भी आए और पी के भी अच्छा लगे, क्योंकि गला भी बहुत ख़राब है और जुकाम तो मेरे को 2 दिन से बहुत गंदा वाला हो रखा है।
चाय बॉयल हो गई है अच्छे से, और मैं खाली चाय कभी नहीं पीती हूँ, नमकीन बिस्किट या कुछ भी, तो वो मुझे भी नहीं खाना, तो मैंने नमक मिर्च का पराठा सेक लिया अपने लिए। अभी भी ओह करारा हो गया, एकदम करारा करारा नमक मिर्च का पराठा और चाय। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने रूम में अपनी चाय के साथ और अपने करारे वाले पराठे के साथ। जो मज़ा रिलैक्स होके अपने कमरे में बैठ के आराम से खाने में है ना, वो बाहर जाके कहीं नहीं, और वो भी इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अपनी चाय पीऊँगी आराम से और ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है वीडियो शूट करने का, व्लॉगिंग करने का। यहीं तक का मैटर था सारा आज का, दिखा दिया सब। और वैसे भी मैं टाइमली सो जाऊँगी, जो भी अपना स्टडी से रिलेटेड काम है वो करके टाइमली सो जाऊँगी। फिर सुबह का रूटीन तो आपको पता ही है, टाइमली सब कुछ उठना होता है, लंच वगैरह। करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। एंड प्लीज़ यार, कितनी मेहनत से मैं वीडियो शूट करती हूँ, सब कुछ खुद ही शूट करना पड़ता है। प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने से मेरा भला हो जाएगा, प्लीज़ मेरा भला कर दो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।